नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू सी व्यू पे। शुक्रवार 17 मार्च को रिलीज हुई मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पर बनी है। ये सागरिका चक्रवर्ती की ऑटोबायोग्राफी द जर्नी ऑफ अ मदर के ऊपर बेस्ड है। रानी मुखर्जी इस फिल्म में दीपिका चैटर्जी की भूमिका में नजर आ रही हैं। रानी मुखर्जी इस पूरी फिल्म में लीड कर रही हैं और अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए जो लड़ाई वो लड़ रही हैं। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मूवी है। रानी मुखर्जी अपने हस्बैंड के साथ नॉर्वे में शिफ्ट होती हैं और अपने बच्चों को जैसे एक इंडियन मदर लालन पालन पोषण करती हैं वो भी वैसे ही करती हैं, जैसे साथ में सुलाना, हाथ से खाना खिलाना, माथे पर टीका लगाना आदि आदि आदि। लेकिन नॉर्वे फेडरेशन इसे अपने कंट्री नॉर्म्स के खिलाफ मानती है और उसके बच्चों को अपने कस्टडी में ले लेती है। रानी मुखर्जी अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने की इस कोशिश में अपने हस्बैंड के साथ भी एक नाजुक मोड़ पर आ जाती हैं, क्योंकि उसके पति जिसको पर्दे पर अनिरब ने निभाया है रानी मुखर्जी का साथ देने से कतराता है क्योंकि उसे नॉर्वे की सिटीजनशिप चाहिए। फिल्म के किरदारों की अगर बात करें तो रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था। अगर बात करें नीना गुप्ता की, जो एक फाइन एक्ट्रेसेस हैं, स्टोरी में उनके लिए कुछ खास करने को नहीं था। यह एक बहुत सेंसिटिव इशू पर बनी मूवी है, लेकिन रानी मुखर्जी को सपोर्ट करने वाले कैरेक्टर्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। फिल्म में कुछ पॉइंट्स पर और बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था, जैसे रानी मुखर्जी सेकेंड हाफ में एकदम आइसोलेशन की तरह फाइट करती हैं, जो कि काबिले तारीफ है, पर फाइनेंसेस कैसे मैनेज करती हैं? ऑडियंस के मन में ऐसे सवाल आते हैं पर उन्हें तो जवाब नहीं मिलता। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी थोड़ी ज्यादा लाउड लगती है, हालांकि सेकेंड हाफ इज मार्वेलस। अगर कोई ऑडियंस इतने सेंसिटिव टॉपिक पर अच्छी म्यूजिक और लिरिक्स की उम्मीद से जाएगा तो वह पूरी नहीं होगी। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बेहद अच्छा और अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट है। फिल्म के डायरेक्टर आशिमा चिबर और तीन में से एक राइटर भी हैं, बाकी दो राइटर्स राहुल हांडा और समीर सतीजा। प्रोडक्शन कंपनीज एमी एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज हैं। सिनेमाटोग्राफी अलवर कोव की है, जो कि शानदार है। लिरिक्स कौसर मुनीर की है और म्यूजिक अमित त्रिवेदी की, जो कि एक एवरेज म्यूजिक है। बैकग्राउंड म्यूजिक हितेश सोनी की है, जो ऑडियंस में फील लाने में कामयाब हुई हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कुछ क्लास जैसे लेडीज अपने आप को ज्यादा रिलेट कर पाएंगी और बाकी को यह एवरेज लग सकती है। रिव्यू हमारा, डिसीजन आपका। फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।